तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियलमी के एक नए स्मार्टफोन की जो बहुत जल्दी इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम रहने वाला है रियलमी 5i स्मार्टफोन। यानी कि दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें दिसंबर के महीने में इंडिया की मार्केट में देखने को मिलेगा, जिस पर हमें एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलमी 5i स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन, बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में कब और किस प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। अगर दोस्तों आप ये सब कुछ जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक Realme 5i की कोई भी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आ पाई है, लेकिन दोस्तों अगर हम लीक्स और रूमर्स की माने तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि Realme 5s पर भी हमें 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया था और Realme 5 Pro स्मार्टफोन पर भी हमें 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता था। तो ऐसे में दोस्तों ये स्मार्टफोन भी क्वाड रियर कैमरे के सेटअप के साथ आएगा। वही अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सेल्फी कैमरे में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। यानी कि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 20 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यानी कि दोस्तों ये स्मार्टफोन कैमरे के मामले में एक बेहतरीन स्मार्टफोन होगा। वही अगर हम पावर बैकअप की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 5000 mAh के एक पावरफुल बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि Realme 5s स्मार्टफोन पर भी हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती थी। वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन यानी कि Realme 5i स्मार्टफोन पर हमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया जाएगा और टाइप सी पोर्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें Qualcomm Snapdragon के चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि मोबाइल फोन पर हमें Snapdragon का कौन सा चिपसेट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें Qualcomm Snapdragon 712 का चिपसेट देखने को मिल सकता है। वही अगर दोस्तों मोबाइल फोन के रैम वेरिएंट्स की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो मोबाइल फोन का शुरुआती रैम वेरिएंट होगा और इससे अलग भी हमें एक रैम वेरिएंट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलेगी, जहाँ हमें वाटर ड्रॉप नोच में मिलेगी। बट दोस्तों अभी ये कह नहीं सकते कि मोबाइल फोन पर हमें कितने इंच की डिस्प्ले मिलेगी, बट मेरे हिसाब से दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई और कलर OS देखने को मिलेगी। वहीं एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मोबाइल फोन के रियर साइड पर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन, बट दोस्तों ये स्पेसिफिकेशन अभी तक कंफर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई भी कंफर्म स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आ पाई है। अगर लॉन्च डेट और प्राइस की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस मुझे लगता है 10,000 और 15,000 रुपये के बीच में हो सकते हैं। और दोस्तों अगर हम लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों आपको पता होगा कि 17 दिसंबर को रियलमी XT730G स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों उसी दिन ये स्मार्टफोन भी हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि ये स्मार्टफोन किस प्राइस में और कब तक इंडिया के मार्केट में लॉन्च होता है। अगर दोस्तों आपके वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं।